हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आई हूँ मार्केट, ये है मुंबई नाला सुपारा की स्टेशन मार्केट, जहाँ मैं आई हूँ बच्चों के कपड़ों की खरीदी के लिए, क्योंकि मुझे जाना है। गर्मियों की छुट्टी लग गई है बच्चों की स्कूल की, तो गांव जाना है, लेकिन टिकट मिल ही नहीं रही है। फिर भी हस्बैंड ने कहा कि तैयारी करके रखो, अगर हो जाती है टिकट तो फिर जाना ही रहेगा। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में पहले तलहा के लिए शॉर्ट्स लेना था और टी शर्ट वगैरह वो सब लिया, क्योंकि आगे गर्मी बहुत बढ़ने वाली है, तो गांव में ये सब डेली यूज़ में आते हैं कपड़े। और फिर इधर से ये देखिए, ये रोड पे जो दुकान लगी थी, सारी गांव जाने वाली पब्लिक है, जहाँ इतनी ज़्यादा गर्दी है, सब इतना कपड़ा यहाँ से लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा कपड़ा पूरा सेट 150 रुपये में मिल जाता है डेली यूज़ के लिए, बच्चों के लिए। तो मुंबई में ऐसे कपड़े सब गांव जाने वाली पब्लिक जो रहती है वो बहुत ख़रीदी करती है। इस वक्त गांव जाने वो जो भी मुंबई में आप देख रहे हैं, हर स्टेशन पे जो भी दुकानें लगी रहती है, वहाँ इतनी गर्दी रहती है कि चलने को भी नहीं होता है। और मैं खुद भी ले रही हूँ, मुझे अपनी भतीजी लोग के लिए लेना है, तो यहाँ से भी मैंने कई सारे लिए थे। और आप देख सकते हैं कितनी गर्दी, और सब ले ही रहे हैं, इससे भी ज़्यादा गर्दी थी इस शॉप पर। तो मैं एक दो बार घूम के और सारी चीज़ें लेके जब आई, तब मैं यहाँ से थोड़ा खड़े होके ले पा रही हूँ, नहीं तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा खड़े होने की भी जगह नहीं थी। और इनके पास कपड़े भी कॉटन के अच्छे हैं, ऐसे टॉप और प्लाजो टाइप में, ऐसे फ्रॉक भी है। तो मेरी भतीजी लोग के लिए मुझे लेना था, तो ये बेबी गर्ल के कपड़े हैं, और इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, छोटे बड़े चाहे जो भी कपड़े लें, 10-12 साल के बच्चों लोग के लिए इजीली 150 रुपये में सारे अवेलेबल हैं। और ये देखिए, मैं नेक्स्ट शॉप पर आ गई, यहाँ छोटे छोटे कपड़े हैं जिसे 3-4 साल के बच्चे लोग के लिए, तो मुझे मेरी भतीजी आयशा के लिए लेना था, और यहाँ से मैंने लिया। फिर यहाँ पर सिर्फ मैं देख रही थी, मैंने लिया नहीं, छोटे बाबू के लिए कपड़ा इतना अच्छा लग रहा था, फिर मैं आगे बढ़ गई थी, लेकिन मुझे अच्छा इतना लगा कि मैं लेने वाली थी। फिर लेते लेते मुझे बहुत लेट हो रहा था, और आगे मुझे अभी और बहुत सारी खरीदी बची थी, तो फिर मैं आगे बढ़ गई थी। फिर मुझे मैं ये वाली शॉप पर आना था, क्योंकि आगे तो मैंने जो लिया था वो कुर्ती और प्लाजो वाला था, और ये है डेली यूज़ के लिए, जो कि 150 रुपये में पूरा सेट भी मिल जाएगा। और जैसे कि मॉल से कपड़े लेते हैं और एकदम होजरी वाले सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े रहते हैं, तो ये उस तरह के कपड़े हैं जिसमें कि कैफरी और टी शर्ट है बेबी गर्ल के लिए। तो ये मुझे माहा मायशा रिजा मेरी भतीजी लोग के लिए लेना था। और बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ इग्नोर मारिएगा। और फिर यहाँ से मैंने कई सारे ड्रेसेस लिए थे, क्योंकि इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे, देखने में भी अच्छे लग रहे थे और इतने कंफर्टेबल थे। तो ये मुझे जो एक एक लेना था वो मैंने दो दो तीन तीन जोड़े लिए थे। और ये देखिए, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, सेट है पूरे। और सिर्फ मैं ही नहीं, ये शॉप पर भी इतनी गर्दी थी कि यहाँ पर भी मेरे को 2-3 बार घूम के तब आना पड़ा था, यहाँ पर भी खड़े होने की जगह नहीं थी, यहाँ पर भी इतनी गर्दी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं 150 रुपये में इतना अच्छा कपड़ा मिल रहा है, और ये डेली यूज़ के लिए बच्चों लोग के लिए अच्छा है, कुछ दिन पहन के 2 महीना और फिर ख़राब भी हो जाएगा तो चलेगा, 150 रुपये का कपड़ा रहता है। और फिर इस तरह से आपको सस्ते सस्ते कपड़े मुंबई में इजीली अवेलेबल रहते हैं। और ये देखिए, फिर मुझे बुरखा लेना था, क्योंकि गांव जा रही हूँ तो बुरखा तो मुझे लगे गई, तो मैं आ गई बुरखे की शॉप पे, जहाँ से मैं अपने लिए ईद के कपड़े लेती हूँ और बुरखा वगैरह लेती हूँ। तो ये अबाया और बुरखा लगे हुए हैं, 650 वाला मुझे लेना था, मुझे कुछ ज़्यादा खास महंगा बुरखा नहीं लेना था, बस सफ़र के लिए लेना था। और ये देखिए, उसी शॉप पर मैं बैठ कर बुरखा देख रही थी, तो ये भैया दिखा रहे हैं ये नायरा कट, तो ये ब्राइडल के लिए नायरा कट था, इतना खूबसूरत लग रहा था मुझे, इतना अच्छा लग रहा था रेड कलर में, और उसका काम इतना अच्छा था, तो वो मैं देखने लगी और थोड़ा कैप्चर भी कर लिया था, मुझे अच्छा बहुत लग रहा था। बल्कि मैं कह रही थी कि ये तो दुल्हन के लिए, तो भैया बोल रहे थे दुल्हन के लिए नहीं, ये सब के लिए है, आप भी ले लीजिए। तो मैंने बोली, ऐसा कुछ गाँव जा रही हूँ, कुछ भारी शादी वगैरह तो है नहीं जो मैं ले लूँ, पर मुझे अच्छा बहुत लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने इसको सूट कर लिया था। इसमें नीचे गरारा है और ऊपर ये नायरा कट फ्रॉक है, और उसके दुपट्टे में भी चारों तरफ बेल लगी। और ये देखिए, जो मैं बुरखा ले रही थी, तो अभी कलर वाला बुरखा बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो जिसमें बुरखा और अबाया दोनों पैटर्न थे, तो इसमें मैं कलर पसंद कर रही हूँ।
तो वैसे तो मैं ब्लैक बुरखा पसंद करती हूँ, ब्लैक ही अच्छा लगता है, पर अभी कलर वाला चल रहा है तो मैंने सोची कलर वाला ले लेती हूँ। तो काफ़ी देर चूज़ करने के बाद अब मैंने एक लिया था, अभी मैं आपको घर पर जा कर दिखाऊँगी। और ये 650 वाले बुरखे हैं जिसमें दुपट्टा और बुरखा था, इसमें अबाया भी दिखा रहे थे सेम कलर में, अबाया पैटर्न में भी था, पर अबाया मुझे पहनने में जमता नहीं है तो मैंने बुरखा ही लिया था। ये देखिए मैंने ये लाइट पर्पल कलर का लेकर आया था, तो ये मेरे ऊपर पहनने पर भी अच्छा लग रहा था और मुझे भी अच्छा लग रहा था, पर मेरे हस्बैंड जब आए तो उनको उन्होंने देखा तो उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि नहीं ब्लैक कलर का ही लो, इतना ही जम नहीं रहा है और थोड़ा और अच्छा वाला लेकर आओ। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे इसको रिटर्न करके फिर ब्लैक कलर का बुरखा लिया था। अभी आने वाली वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और भी कई सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी, जिस जैसे कि ये तरह के शॉर्ट और लोअर टी शर्ट, कट वाली टी शर्ट वगैरह, ऐसी कई सारी चीज़ें जो कि गांव जाने की शॉपिंग हो रही है लेकिन टिकट अभी नहीं मिली। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।